सर सुनिए सर, एक शेर के साथ बैठ जा रहे भाई। सर तू जितना समझत है, सर सुनिए सर, सर आपको भी अच्छा लगेगा सर। तू जितना समझत है, अरे भाई उसके सुनिए ना, तू तू जितना समझत है उतना महान थोड़ी ना है। अरे तू चाय बेचने वाला है, अरे सुन तो लीजिए भाई। अरे तू जितना समझत है, अरे रुकिए रे भाई, तू जितना समझत है उतना महान थोड़ी ना है। तू चाय बेचने वाला है, मसीहा थोड़ी ना है, मसीहा थोड़ी ना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री जी, 18 साल सर इन लोगों ने कानून व्यवस्था को ध्वस्त करके रख दिया। महोदय आज बात कर रहे हैं थाना का, आज बात कर रहे हैं पदाधिकारियों का, आज पदाधिकारी अगर बात नहीं सुन रहा है महोदय, तो इसके लिए यदि कोई जिम्मेवार है महोदय तो ये भाजपा के लोग हैं महोदय। आज बात करते हैं, आज कहीं भी चले जाइए महोदय, आज मॉब लिंचिंग की बातें हो रही थी, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ महोदय, हमारी सरकार, हमारे डायनेमिक सीएम मुख्यमंत्री जी ने जो मॉब लिंचिंग का कानून पास किया महोदय, इससे लोगों में भारी उत्साह है महोदय। लेकिन ये भाजपा के लोग, याद है महोदय तबरेज अंसारी की बात कर रहे थे, किस तरह से महोदय इन लोगों ने तबरेज अंसारी को पीट पीट कर मार दिया महोदय, ये भाजपा के लोग थे महोदय। सर सर भानु जी बोलने दीजिए, सुनिए बोलने दीजिए सर, एक मिनट सुन लीजिए, बोलिए। तबरेज अंसारी की बात बार बार लाई जाती है महोदय, रूपेश पांडे की बात क्यों नहीं होती है महोदय, संजू प्रधान की बात क्यों नहीं होती है, उसको मारा गया पुलिस के सामने और जिंदा जलाया गया, क्या यह अन्याय नहीं है महोदय? जब मॉब लिंचिंग की बात होती है तो अपने दामन में भी आप देखने का काम कीजिए कि आपके जैसे निकम्मा सरकार कभी हम लोगों ने नहीं देखा, जिसको मारा भी गया और जिंदा जलाया भी गया पुलिस के सामने, उसकी भी बात आपको करनी चाहिए। चलिए चलिए सर, मुझे मैं सर गवाह था सर, मुझे जानकारी था कि आपने देखा होगा सर कि तबरेज अंसारी, मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ सर कि उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। तबरेज अंसारी को मारने वाला कौन महोदय? ये भाजपा के लोग, ये आरएसएस के लोग महोदय, ये एबीवीपी के लोग, बजरंग दल के लोगों ने तबरेज अंसारी को महोदय पीट पीट कर मार डाला महोदय। इसका अफसोस सिर्फ अंसारी को है महोदय। जब तक हम कहना चाहते हैं महोदय, जब तक इन जिन जो लोगों ने मारा है उनका बदला हम लोग नहीं ले लेंगे, तब तक हमारी सरकार चैन से नहीं बैठेगी महोदय। मुझे याद है महोदय, आपको भी याद होगा महोदय, 2017 में मिन्हाज अंसारी को महोदय पीट पीट कर बजरंग दल के लोगों ने मार दिया महोदय, थाना में मारा। मारने वाला कौन? थाना में इसकी सरकार हरीश पाठक था महोदय, थाना में मार दिया, गरीब परिवार को ले जाके पीट पीट के मार दिया महोदय, उसको भी अब तक इंसाफ नहीं मिला है। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से, हमारी सरकार है महोदय, ये हरीश पाठक ने मारा महोदय, आज भी महोदय वैसे पदाधिकारी कार्यरत है, उस पर इल्जाम जो साबित हो गया महोदय, ऐसे पदाधिकारियों की सरकार कार्रवाई करे महोदय, हो गया हमारे सदस्य। दूसरी बात महोदय, सरकार हमारी है, सरकार का उत्तर होना है सर। अभी ओझा जी बात कर रहे थे सर, सर सर आपने देखा होगा सर, हजारीबाग में सर, एक हजारीबाग में निर्दोष की हत्या होती है सर, रामगढ़ में निर्दोष की हत्या होती है सर, पूरा परिवार सर, रुके रहे, बढ़िए रहे, आप बढ़िए रहे रणवीर जी, सर बोलो जी, उनको सर मैं समय खा जाता है सर, हो गया आप एक मिनट में सर, रुके समय दिया सर, ठीक एक मिनट बोलो दीजिए, चलिए चलिए बैठिए। सर हो गया सर, सर देखिए सर, अच्छा बोलिए ना अपना, आप बोलिए सर, रामगढ़ में एक निर्दोष की हत्या होती है सर, सर थोड़ा समय दिए सर, आप थोड़ा इतना टेंशन मत रहिए सर, आप तो खुद हमारे कर सकते ना सर, आप बोलिए ना सर, आप बोलिए थोड़ा सर आप बोलिए, हंसिए सर आप बोलिए ना सर, रामगढ़ में सर मैं कहना चाहता हूँ, आपने देखा निर्दोष को सर पीट पीट कर मारा सर, मारने वाला कौन? ये भाजपा के लोग थे सर। दुर्भाग्य इस बात का है सर, कानून व्यवस्था की ये लोग बात कर रहे हैं, कभी कभी एक मिनट सर, कभी कभी अफसोस होता है सर, राजनीति में हम लोग आए हैं सर इंसाफ करने के लिए, आप लोग संविधान की कसम खाते हैं, जब विधायक बनते हैं महोदय संविधान की कसम खाते हैं महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ
एक सर मंत्री था, हजारीबाग का मंत्री था महोदय, बेगुनाह को मारने वाले को महोदय, ऐसे हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी, ये लोग फांसी न दिलाकर महोदय अपने घर में बुलाकर, महोदय अपने घर में बुलाकर उसे हत्यारों को मारा बनाने का काम किया, देश संसार हुआ महोदय, देश संसार हुआ। और मैं कह रहा था महोदय, बेगुनाहों का हाय लगा है भाजपा को महोदय, ये सुन लीजिए, ये कभी भाजपा द्वारा सत्ता में नहीं आ सकती है, ये इफा अंसारी बोल रहा महोदय। 25 साल महोदय देश में झारखंड को देश में संसारे लोग कर दिया महोदय, इसलिए महोदय रुपेश पांडे की बात करता है, महोदय रुपेश पांडे की बात कर रहा है ये लोग, रुके रहे यार सर, रुपेश पांडे रणधीर जी। अच्छा उनका सर सुन दीजिए उनका, अच्छा हो गया बट सर आप समाप्त करिए, रुपेश पांडे की बात हो रही है, समाप्त करिए माननीय सदस्य, आप मानू जी ने बातें कहा, मानू जी ने बात कहा रुपेश पांडे का, अरे बैठिए रहिए आप बोलिए ना सर, तमाशा बना के इधर बोलिए ना आप, इधर आसन की ओर मुखातिब होना बोलिए, बढ़िया सर। रुपेश पांडे की हत्या हुई सर, मामला सर मामला कोर्ट में है, जो हत्यारा जेल भी गया महोदय, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जो भी कानून हाथ में लेगा हमारे हेमंत सोरेन की सरकार उसको बर्दाश्त नहीं करेगी महोदय। दूसरी बात सर, अभी हम देख रहे थे सर, ओझा जी ने बातें कहा सर, ओझा जी ने जो बातें कहा, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ सर, सर देखिए सर, रणधीर जी सर, रणधीर जी को बैठाइए सर, ओझा जी ने सर जो बातें कहा सर, मैं जब से देख रहा हूँ मुझे तो लगा सर कि ओझा जी पढ़े लिखे विधायक हैं, इनको क्या नफरत है बांग्लादेश से महोदय। मैं ओझा जी को कहना चाहता हूँ, थोड़ा इंतजार कीजिए, देश के प्रधानमंत्री जिस दिन राहुल गांधी बनेंगे महोदय, बांग्लादेश भारत में होगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। ये कांग्रेस पार्टी है, बात करते हैं उल्टा पुल्टा, आप लोग कांग्रेस के बारे में मत बोलिए, आप सर बजरंग दल के लोग सर सुनिए, ये राज आदिवासियों का लिया गया है महोदय, मूलवासी के लिए लिया गया है, आपने देखा आज भी सर इनका मनोबल इतना बढ़ गया सर, हमारे मुख्यमंत्री पर सर, हमारे डायनेमिक सीएम पर सर, आरएसएस के लोग, ये बजरंग दल के लोग हमला करता महोदय, ये दुर्भाग्य है इस राज का, क्या हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं सर, ये नहीं चलेगा महोदय। ये लोग सारे लोग महोदय घुसपैठ की बात करते हैं, इससे बड़ा भाजपा के बड़ा घुसपैठ कोई नहीं है महोदय, इसलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सदस्य, बहुत बहुत धन्यवाद, बैठिए। अब सरकार का उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी, बैठ हो गया, इरफान साहब हो गया बोलिए, एक मिनट आप, हम चाहते हैं सर कि हम चैप्टर में नहीं आ पाए क्योंकि लोग, अच्छा ठीक है चलिए सर, मेरा मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सरकार सुधारे महोदय, ये बात सही है, थाना जो है सर, थाना लापरवाह हो चुका है, रुके सर, थाना प्रभारी हम लोग की बात नहीं सुनता, अब हो गया सर, एक शहर के साथ सर सुनिए, एक शहर के सर, तो जितना समझत है सर, सुनिए सर, एक शेर के साथ सुन लीजिए रंजीत जी, आपको चल गया सर, एक शेर के साथ हमारे डायनेमिक सीएम साहब सर अपना बात रखेंगे सर, सुनिए सर, एक शेर के साथ बैठ जा रहे भाई सर, तू जितना समझत है सर, सुनिए सर, सर आपको भी चल गया सर, तू जितना समझत है, अरे भाई रुकिए सुनिए ना, तू जितना समझत है उतना महान थोड़ी ना है, अरे तू चाय बेचने वाला है, अरे सुन तो लीजिए भाई, अरे तू जितना समझत है, अरे रुकिए रे भाई, तू जितना समझत है उतना महान थोड़ी ना है, तू चाय बेचने वाला है, मसीहा थोड़ी ना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, माननीय मुख्यमंत्री जी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब कर ले, और कोई खबर है अगर आपके पास तो पहुंचाएं हम तक, हम पहुंचाएंगे सरकार तक।